हेलो दोस्तों, लड़का होना या लड़की होना कुदरत की देन है। जन्म से पहले ही हमारा जेंडर तय हो जाता है, लेकिन इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि सर्जरी के जरिए अब जेंडर बदला जा सकता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्जरी के माध्यम से अपना जेंडर बदल दिया है। हालांकि ऐसे सर्जरी के माध्यम से संभव है, लेकिन क्या आपको पता कि धरती पर एक ऐसा भी गाँव है जहाँ पर एक उम्र के बाद लड़की लड़का बन जाती है, वो भी बिना सर्जरी के। आप लोग सही सुन रहे हैं, वो कौन सी जगह जानते हैं इस वीडियो के अंदर। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आपके पास तुरंत आ जाए। बड़े होने के बाद इस गांव की लड़कियां का जेंडर अपने आप चेंज हो जाता है। इसके बाद यहां की लड़कियां लड़का बन जाती है। इस गांव का नाम तो ला सेलिनास से जो डोमिनिकन रिपब्लिक देश है। इस गांव की कई लड़कियां 12 साल की उम्र में आते आते लड़के की तब्दील हो जाती है। लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को आज तक वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगा पाया, लेकिन लड़कियों के साथ इस बदलाव की वजह से लोग इस गांव को स्थापित मानते हैं। ला सेलिनास गांव की लड़कियां लड़के बनने की अजीब बीमारी की वजह से यहां के लोग बेहद परेशान रहते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस गांव में किसी अदृश्य शक्ति का साया है। वहीं यहाँ के बुजुर्ग इस गांव को स्थापित मानते हैं। इस बीमारी चेंज होने वाले बच्चों को यह दोष आ जाता है। यहाँ पर इस तरह का डलगा माहौल है कि इस गांव के लोग लड़के पैदा होने से घबराते हैं। ये गांव समुद्र किनारे बसा हुआ है। इस गांव की आबादी लगभग 6,000 है। अजीब रहस्य की वजह से इस गांव को दुनिया भर में शोधकर्ताओं के लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस डॉक्टरों का मानना है कि ये बीमारी जेनेटिक्स है। इस गांव में 90 में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। आपको फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।